आगे से आगे हम फिर से स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी मार्केट को डेटाबेस को ओपन किया, हमने टेबल कंटेंट किया। इस टेबल के अंदर अगर हम चाहें तो और भी फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। मतलब हमने आए यहाँ डिजाइन में, हमने यहाँ पे ऑर्डर दिया। मसलन हम चाहते हैं कि हमारे पास डेट ऑफ एडमिशन आ जाए। इस बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे स्पेसिस ना दी जाए, क्योंकि डेटाबेस के अंदर हम स्पेसिस नहीं देते। और अगर आपको कोई स्पेस की जरूरत चाहिए तो आप उसके लिए अंडरस्कोर यूज करें। और हमने इसको दे दिए यहाँ पे डेट एंड टाइम। तो से हम और दे सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेट सपोज के एम्प्लॉयड, तो हमने यहाँ पे दे दिया यस नो। ये अगर एम्प्लॉयड है तो आप यस पे टिक लगा दें, और एम्प्लॉयड नहीं है तो आप नो टिक लगा दें। तरह से हमने कहा पिक्चर, ठीक है। और ये पिक्चर आएगी हमारे पास एज एन अटैचमेंट के तौर पे। और यहाँ पे हमने एक और फील्ड दे दी, हमने कहा ईमेल, और ईमेल आ गया एज अ हमारे पास हाई बटन। अब इसको जरा व्यू करते हैं। सेव किया हमने, तो ये हमारे पास तमाम चीजें ये आ रही हैं। तो ये हमारे पास एम्प्लॉय का आ गया, चेक लगाने का, हटाने का, ठीक है, एंड सो ऑन। तो देखिए हमारे पास जब डेटा शीट आ गई, हमारे पास डेटा यहाँ पे आ रहा है, बट हम कभी भी डेटा यहाँ से इंसर्ट नहीं करते। डेटा हमेशा इंसर्ट होता है हम फॉर्म के जरिए, तो हम इसलिए फॉर्म बनाते हैं क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पे डेटा इंसर्ट नहीं करते। यूज किया, क्रिएट पे आए। कोई भी चीज क्रिएट करनी हो तो वो यहाँ क्रिएट, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो फॉर्म हो, चाहे वो क्यूरी हो, चाहे वो रिपोर्ट हो, ठीक है। हम यूज करते हैं विजर्ड को। हमने कहा फॉर्म विजर्ड, क्लिक किया, यूजर आ गया। हमारे पास जो भी चीजें लिखे आएगा टोटल लिखे आएगा, विजर्ड ही कर रहा होता है कि हम नहीं देते, वो बना बना जो टेबल है या क्यूरी है वहां से ही हमारे पास फील्ड लिखे आ रहा होता है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही टेबल क्रिएटेड था, एक ही टेबल ही आया। अब स्टूडेंट आईडी तो हमारे पास ऑटो जनरेटेड है, उसको देना फायदा ही नहीं है हमारा। तो हमें उसको छोड़ के नेम, लास्ट नेम, सीनआईसी, प्रोग्राम, मेड असाइनमेंट, क्विज, फाइनल, ईएसआई मार्क्स ले लिए। अब टोटल अगर मैं लूँ उससे फायदा क्या होना है, क्योंकि टोटल तो हम दे नहीं सकते, वो तो ऑटो जनरेट होगा। स्टेटस वो भी हम नहीं देंगे, वो भी ऑटो जनरेट होगा। तो हम इनको छोड़ देते हैं। हमने डेट ऑफ एडमिशन ले लिया, एम्प्लॉय ले लिया, पिक्चर ले ली, बाकी सारे हमने पिक्चर के टाइप्स छोड़ देनी होगी। फिर ये अदर वहाँ पर बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज आ रही है, और हमने ये ईमेल ही ले ली, ठीक है। तो ये सिंगल को लेने के लिए और ये सबको ही लेने के लिए। इसी तरह अगर हम इसको यहाँ से डिसलेक्ट करना चाह रहे हैं तो सिंगल के लिए और ये सबको डिसलेक्ट के लिए। नेक्स्ट किया, कॉलम वाइज लिया हमने, और इसको फिनिश कर दिया। तो ये हमारे पास फॉर्म क्रिएट होके आ गया है ऑटोमेटिक। अब अगर हम इसे कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे आएंगे व्यू में, और व्यू हमने डिजाइन पे आए, और ये डिजाइन के लिए हमारे पास ये आ गया डिजाइन के लिए। अब लेट सपोज मैंने कहा यहाँ पे पिक्चर सिर्फ यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, तो मैंने यहाँ से आके फुटर से जगह बनाई पिक्चर को। यहाँ से ईमेल को देखिए अभी पिक्चर सेलेक्ट हो गई है, सिर्फ ईमेल को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, और यहाँ से ड्रैग करके हमने यहाँ पे लेके आया। इस तरह से पिक्चर हमारे पास यहाँ है, हम यहाँ पे पिक्चर का टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, हमें कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो, डिलीट कर दिया। पिक्चर का साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब सर व्यू देखते हैं, फॉर्म व्यू। तो ये हमारे पास फॉर्म्स का व्यू आ रहा है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे डेटा अब ऐड करना होगा, तो उसको नेविगेट भी करना होगा, आगे जाना होगा, पीछे आना होगा, या और चीजें होंगी। तो हम कहते हैं कि भाई हमें यहाँ पे कुछ चीजें और चाहिए, जो कि हमारे बटन है। तो हमारे डिजाइन व्यू पे ये हमारे पास बटन आ रहे हैं, बटन पे क्लिक किया, अभी सिलेक्ट हुआ हुआ है, यहाँ पे क्लिक किया, पहला बटन आ गया हमारे पास। किस चीज के लिए चाहिए, हमने कहा चाहिए गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट किया। अब हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट देना है हमें, ये इसको पिक्चर देनी है, ये इमेज बना रहा है हमारे पास प्रीव्यू के तौर पे, प्रीव्यू तौर पे हमने करी टेक्स्ट दे देते ताकि समझने में आसानी हो। नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए नेक्स्ट किया, फिनिश किया, और बटन ले लिया हमने, फिर
क्लिक किया प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए, नेक्स्ट किया, टेक्स्ट कर लिया, नेक्स्ट किया, फिनिश किया, एक बटन ऑल ले लिया, क्लिक किया। अब हमने कहा ठीक है भाई, अब हमें रिकॉर्ड न्यू ऐड करना होगा, ऐड न्यू रिकॉर्ड के लिए, तो ये हमारे पास डिफरेंट है, तो आप इसको और भी नेविगेट करके आप क्या कर सकते हैं कि कौन कौन से पास यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो हमने ऐड न्यू रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड ले लिया, न्यू रिकॉर्ड के लिए फिनिश किया, और ले लिया एक बार, हमने कहा कि सेव रिकॉर्ड, सेव करने के लिए फिनिश किया, रिकॉर्ड हमने ले लिया और नहीं लिया डिलीट रिकॉर्ड पर डिलीट करने के लिए सेव किया, नेक्स्ट किया और नहीं फिनिश कर लिया। ठीक है, तो अब अगर हम इसको प्रीव्यू देखते हैं तो ये हमारे पास सारे बटन आ गए, मगर अगर आप देखें तो कुछ बटन थोड़े नीचे हैं, कुछ थोड़े ऊपर जा रहे हैं, तो इनकी सीक्वेंसिंग आउट है। तो आपसे डिजाइन पे आए, इन सबको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम आ गए अरेंज पे। अरेंज पे हमने कहा कि भाई ठीक है, पहले तो कुछ बटन छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो हमने कहा यहाँ पे आए, हमने कहा भाई सबका साइज कैसा हो, इक्वल हो, तो हमने कहा टू वाइडेस्ट, सबसे जो वाइड है सबको उससे ऐसा कर दे। देखिए डिलीट रिकॉर्ड का साइज बहुत बड़ा आ रहा है, ऐड रिकॉर्ड का साइज बहुत छोटा आ रहा है, तो हमने कहा टू वाइडेस्ट, तो सब सेम साइज के हो गए। नेक्स्ट हमने कहा भाई इनके जो दरमियान का डिस्टेंस वो बराबर को आ जाए, इक्वल हॉरिजॉन्टल, सबका डिस्टेंस बराबर हो गया। और अब हम आए अलाइन पे, और हमने कर दिया इसको बॉटम, इस सब क्या हो रहा है बॉटम पे एक साथ अलाइन हो जाए। अब इनकी अलाइनमेंट बताते हैं, अब इनकी अलाइनमेंट देखें, इनका साइज भी सेम है, आपस का डिस्टेंस भी सेम है, और ये अलाइनमेंट भी सेम आ रही है। अब हम यहाँ से डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, नेम से कामरान, लास्ट नेम अली, सीएनआईसी कुछ भी दे देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया था। ठीक है, तो बिल्कुल उस तरह से आ रहा है जब हमने मास्किंग की थी, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 ग्राम हमने इसके मार्क्स हैं, डेट ऑफ एडमिशन, लेट्स से कि इसका पिछले महीने एडमिशन हुआ है। ठीक है, एम्प्लॉयड है, ये एम्प्लॉयड है, इसका ईमेल abc@xyz.com। ठीक है, अगर हमें इसकी इमेज चाहिए तो हमें इस पर आए, अटैचमेंट के लिए आ रहा है, अटैचमेंट की ब्राउज करा दिया, कोई हमारे पास अगर पड़ी हुई है तो लेट्स से हमारे पास ये इमेज पड़ी हुई है इसी ऑर्डर। ठीक है, निकल दिया इसको सेव रिकॉर्ड, रिकॉर्ड सेव हो गया, ऐड रिकॉर्ड, अपना रिकॉर्ड आ गया। हमने कहा एक और नाम ले लेते हैं, हमने कहा बिलाल खान, सी एन आई सी का हम दूसरा ले लेते हैं 9876543, और ये वन दे दिया प्रोग्राम, इसका आ गया मेरे पास कंप्यूटर साइंस, ये मिडटर्म मार्क्स थे 10, असाइनमेंट मार्क्स इसके 12, क्वेश्चन मार्क्स इसके 16, इसने एरर दी क्योंकि मार्क्स मेरे पास 15 से कम होने चाहिए, ठीक है, हमने सुन दिया 13, और इसके फन में 10 मार्क्स हैं। ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन इसका आज ही हुआ है, ये प्रोडक्ट नहीं है, इसने टिक नहीं लगाया, ईमेल एड्रेस हमने छोड़ दिया, फिर रिकॉर्ड किया, हम चेक करते हैं कि पिछला रिकॉर्ड से हुआ या नहीं हुआ। प्रीवियस पे गए, आ रहे हमारे पास, नेक्स्ट पे गए, आ रहे हमारे पास, ऐसे अगर हम चाहे तो एक और रिकॉर्ड ऐड कर लिया, हमने कहा उमेर और नाम है अहमद, सी एन आई सी प्रोग्राम इसका है मैनेजमेंट साइंसेस, आप बताते हैं कंप्यूटर साइंस के मार्क्स हैं मिड में 20, असाइनमेंट में है 12, क्विज़ में है 13, फाइनल में है इसके 13, एडमिशन लेते हैं एम्प्लॉयड है, इसका ईमेल से
डॉट कॉम पे, कोई और हमारे पास फाइल हो तो फाइल, इमेज फाइल अवेलेबल नहीं है, नहीं हमारे पास भी फाइल अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको छोड़ देते हैं और अपने एसेस को सेव रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, उसको क्लोज किया हमने, सेव करके क्लोज किया। अगर हम देखते टेबल के अंदर क्या ये सारा डेटा आया, ये हमारे पास डेटा सबका ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम अपने पास टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं, सॉरी फॉर्म क्रिएट कर रहे होते हैं।